चाय भारत में एक मॉर्निंग ड्रिंक होने के साथ साथ मेलजोल का भी साधन है। कुछ लोग मीठी चाय पीते हैं, कुछ लोग फीकी चाय पीते हैं, कुछ लोग काली चाय पीते हैं, तो सबकी अपनी पसंद है। बिस्किट का भी चाय से गहरा नाता है, पर कभी कभी इसमें डूब जाता है। चाय की खोज चाइनीज किंग शेन नुंग ने उस समय की जब वह पेड़ के नीचे बैठे थे और उनका सेवक पानी गर्म कर रहा था। उसी समय कुछ पत्तियां उस पानी में जा गिरी। इसी से गर्म चाय की प्याली की खोज हुई। भारत में चाय सदियों बाद आई। 170 साल पहले अंग्रेजों ने पहला चाय का बगीचा 1837 में आसाम में लगाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाय के बिजनेस में चाइना की हुकूमत समाप्त करना चाहते थे। आइए चाय का कुछ विज्ञान समझते हैं। चाय में फ्लेवोनोल होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा एलिमेंट जो चाय में होता है वह है कैफीन, जो दिमाग को सक्रिय बनाता है और हमें अलर्ट रखता है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां चाय में दूध मिलाया जाता है। भारत में सबसे महंगी चाय की बात की जाए तो आसाम की गोल्डन पर्ल 1.5 लाख रुपए किलो है। उम्मीद है आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। धन्यवाद।